वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने का विरोध करेगी, पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा कहा है। अगर जो है इस तरीके का प्रस्ताव केंद्र द्वारा आता है तो इसका वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनको लेकर जो है बहुत सी बातें हैं। कुछ नहीं, वो जेल में उन्होंने एक लंबा समय जो है बिताया था, लेकिन उन्होंने ये हमें मत आप बताइए क्या किया था वीर सावरकर जी ने। पृथ्वीराज चौहान जी महाराष्ट्र के नेता है कांग्रेस के, लेकिन भारत रत्न देने का निर्णय जो होता है वो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लेता है, और हमेशा ये हमारी भी मांग रही है सावरकर, वीर सावरकर का सम्मान करने की। तो कोई विरोध करता उनकी भूमिका है, हो सकती है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान साहब को मालूम है वीर सावरकर ने कितना बड़ा त्याग किया है, कितना बड़ा संघर्ष किया है। जिंदगी के 14 साल अंडमान में रहना यह असामान्य घटना ही देश में हुई है। 50 साल की उम्र कई उस वक्त उन्हें लगी थी, 14 साल काटे हैं, बाद में बाहर जाकर जेल भोगा। जो लोग उनको विरोध करते हैं भारत रत्न देने के लिए, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी विचारधारा के हो, ये सभी को दो दो दिन अंडमान में उसी सेलुलर जेल में उसी काल कोठरी में जहां वीर सावरकर को रखा था दो दिन रखना चाहिए, फिर समझेगा सावरकर ने, वीर सावरकर ने देश के लिए कितना बड़ा त्याग संघर्ष और बलिदान दिया। संजय राउत स्टेटमेंट अगेंस्ट द डिफेमेशन ऑफ सावरकर बाय कांग्रेस लीडर्स, आई वेलकम इट बिकॉज इट हैज अ रिंग ऑफ ट्रूथ इन इट। दे शुड रियली गो टुगेदर एंड दे शुड हैव द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑन व्हाट सावरकर हैज सफर्ड। इन पास्ट ऑल्सो शिवसेना हैज एग्रेसिवली अपोज द डिफेमेशन ऑफ सावरकर। इन केस ऑफ मणिशंकर अय्यर, ही हैज नेवर डेयर टू कम टू मुंबई अगेन। आई एक्सपेक्ट दैट नाउ शिवसेना विल कन्विंस कांग्रेस लीडर्स नॉट टू अपोज सावरकर, नॉट टू डिफेम सावरकर, बिकॉज द डिफेमेशन इज कमिंग आउट ऑफ द पॉलिटिकल कंपल्शन। एंड आई एम श्योर दैट शिवसेना इन फ्यूचर ऑल्सो विल कंटिन्यू टू अपोज द डिफेमेशन ऑफ द सावरकर इन द सेम विद द सेम स्ट्रेंथ एंड विगर। नाउ द पावर एंड सावरकर, द इशूज, दीज इशूज आर बेसिकली द नेक बोन ऑफ शिवसेना, डू यू फाइंड दिस? सी टूडे संजय राउत हैज एडवाइज कांग्रेस लीडर्स, but actually in fact it is advice to Rahul Gandhi, because Congress leaders are parroting what Rahul Gandhi says. So he has dared, he has challenged Rahul Gandhi to go and Andaman. I think it speaks itself very clear.